लोग कई मील दूर से आ रहे हैं अपना सिलेक्शन के लिए, हमारे टेस्ट के लिए उनके, तो यहाँ पे खाने पीने की कोई सेवा नहीं है, वो अपने जेब से ही खर्च करेंगे। जो देश की सुरक्षा के लिए आए हुए हैं तो उनकी सुरक्षा, हमारे अंदर भी एक जिम्मेदारी होती है कि देश की सुरक्षा करने जा रहे हैं तो हम उनकी सुरक्षा के लिए कुछ यहाँ पर ऐसा कर सके, यहाँ पर जो है उनके खाने की या तो सोने की व्यवस्था कर सके। और यहाँ पे तो ऐसा चल रहा है कि रिक्शे वालों की एक ये हो गई है झोल, जिसको कि उन लोग नए चेहरे देख के जो भी मिलिट्री के अंदर आ रहे, जो नॉर्मल 15 रुपया है फेयर, जो उन लोग को देखते तो 250-300 रुपया चार्जेस हो रहे हैं। इस तरीके से मुमरा शहर के अंदर एक बड़ा एक गंदा पैगाम जा रहा है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। अग्निवीर योजना, जिस योजना के आने के बाद अलग अलग तरीके से तमाम जो छात्र है उनका विरोध रहा बिहार में भी, हालांकि बहुत बड़ा ये मामला गया, लेकिन फिलहाल अग्निवीर योजना के तहत सभी लोगों की भर्ती हो रही है आर्मी में। और ऐसे में आप यहाँ पर बोर्ड देख सकते हैं, मुमरा एमएम वैली में भी जो है तमाम लोगों को प्रोसीजर चालू कर दिया गया है ज्वाइनिंग का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वार्निंग का बोर्ड भी लगाया गया है कि यहाँ पर जो है दलालों से सावधान रहे, इंडियन आर्मी में रिक्वायरमेंट प्रोसीजर बिल्कुल फ्री है, ऐसे एक सावधानी के तौर पर बोर्ड लगाया गया है। और इस बोर्ड के बाद जो है हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक अच्छा जो है बंदोबस्त लगाया गया, लेकिन इस बंदोबस्त के पास आप देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र है वो बैठे हुए हैं रोड पर ही बैठे हुए, क्योंकि इन्हें अभी तक 10 अक्टूबर तक का जो है भर्ती चालू है, तो इन्हें किसी भी तरीके का अभी इन्हें पता नहीं चल पाया कि भर्ती कब होगी, और इनसे कोई मैनेजमेंट द्वारा बात नहीं की गई है। इनका खुद जो है यहाँ पर आए हुए हैं 3 दिनों से लगातार, वो खाना पीना भी कुछ लोगों ने हमसे बताया कि खुद वो कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट द्वारा यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अग्निवीर योजना के तहत लोगों को ज्वाइनिंग करवाया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके के बोर्ड लगाकर यहाँ पर सूचित किया जा रहा है। तो हमारे साथ सलमान रिजवी जी मौजूद है, जिन्होंने अग्निवीर योजना के बाद ये जितने भी छात्र हैं यहाँ पर भर्ती के लिए आए हुए हैं, तो इन क्या कहना चाहेंगे वो इस योजना के बारे में, और इन छात्र जो कि बाहर रोड पर सो रहे हैं। सलमान रिजवी साहब, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि मुमरा में एक, हालांकि अग्निवीर योजना के तहत लोग आ रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन छात्र को जो है मैनेजमेंट ठीक तरीके से प्रोवाइड नहीं की जा रही, क्या कहेंगे? जिस तरीके से एक खुशी की ये बात है कि मुमरा जैसे शहर के अंदर सेंट्रल की तरफ से एक मिलिट्री का रिक्रूटमेंट जो चालू किया है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है कि मुमरा जैसे शहर में एक बड़ा बेहतरीन स्टेडियम है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने तय किया है कि यहाँ से हम मिलिट्री की भर्ती चालू करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी एक ध्यान रखना चाहिए कि रिक्रूटमेंट में जो लोग, चाहे वो कोल्हापुर से आ रहा हो, सोलापुर से आ रहा हो, या महाराष्ट्र से किसी भी कोने से आ रहा हो, नासिक है, बारामती है, फलटन है, चिपलून है, तो कम से कम रहने और खाने पीने का इंतज़ाम तो यहाँ के लोकल प्रशासन को करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे कि पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि ये जितनी सड़कें हैं बिल्कुल भरी रहती हैं, लोग पता नहीं किस किस तरीके से सोते हैं रोड के ऊपर। आप देखें, ग्रे स्क्वायर है, सुकून है, अपना गवर्नमेंट का स्कूल है, रोड के ऊपर कोई किसी कोने में सो रहा है। हद तो ये हो गई कि मुमरा प्रभाग समिति के विंग के नीचे मैंने 7-7 लोग को देखा हूँ सोते हुए। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है, मुमरा जैसे शहर के अंदर एक बहुत गंदा मैसेज जाएगा यहाँ से कि मुमरा जैसे शहर के अंदर जो गवर्नमेंट की भर्तियाँ चालू है, लेकिन उसके बाद नतीजा ये है कि लोग कई मील दूर से आ रहे हैं अपना सिलेक्शन के लिए, हमारे टेस्ट के लिए उनके, तो यहाँ पे खाने पीने की कोई सेवा नहीं है, वो अपने जेब से ही खर्च करेंगे। और यहाँ पे तो ऐसा चल रहा है कि रिक्शे वालों की एक ये हो गई है झोल, जिसको कि उन लोग नए चेहरे देख के जो भी मिलिट्री के अंदर आ रहे हैं, जो नॉर्मल 15 रुपया है फेयर, जो उन लोग को देखते तो 250-300 रुपया चार्जेस हो रहे हैं। इस तरीके से मुमरा शहर के अंदर एक बड़ा एक गंदा पैगाम जा रहा है कि लोग क्या समझेंगे मुमरा शहर के अंदर। तो इस तरीके से मैं यहाँ के प्रशासन तक ये पैगाम पहुँचाना चाह रहा हूँ कि अगर आप रिक्रूटमेंट चालू किए हैं तो कम से कम उनके रहने का, सोने का, नहीं खाने पीने का करिए, कम से कम रहने का इंतज़ाम किया जाए इन लोगों को। यहाँ के माननीय जो विधायक है जितेंद्र रवाड़, उन तक जो है इस मैसेज वीडियो के ज़रिए मैसेज है कि यहाँ पर एमएम वैली में तमाम जो है अच्छे खासे भर्ती के लिए नौजवान आए हैं, कम से कम उनकी देख रेख के लिए मैनेजमेंट को यहाँ पर तैनात किया जाए, अगर मैनेजमेंट नहीं है तो खुद निजी कुछ ऐसे व्यवस्था निकाला जाए ताकि ये लोग दूर दूर से जो आए हुए हैं युवक, जो देश की सुरक्षा के लिए आए हुए हैं, तो उनकी सुरक्षा
हमारे अंदर भी एक जिम्मेदारी होती है कि देश की सुरक्षा करने जा रहे तो हम उनकी सुरक्षा के लिए कुछ यहाँ पर ऐसा कर सके, यहाँ पर जो है उनके खाने की या तो सोने की व्यवस्था कर सके। अब ये देखना है सलमान रिजवी के अपील के बाद किस तरीके से यहाँ पर जो भर्ती के लिए छात्र आए हैं उनकी देखरेख की जाती है और किस तरीके से इन तमाम जो बातें इन्होंने रखी इस बातों को लेकर के आला अधिकारियों तक ध्यान दिया जाता है। कैमरा पर्सन जैन सैयद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, मुमरा।